उत्तरकाशी में भागीरथी में हो रहे अवैध खनन पर जिला प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध खनन पर जिला प्रशासन ने 4 दिनों के अंतराल में 21 खनन माफियाओं के चालान काटे हैं, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई के बीच सबसे अधिक गतिरोध बुधवार को रहा, जब खनन माफिया को बचाने के लिए उत्तरकाशी के कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने अधिकारियों को फोन कर कार्रवाई न करने की अपील की। इसके साथ ही प्रशासन ने नदी किनारे अवैध जबकि भटवाड़ी क्षेत्र के मनेरी भाली परियोजना क्षेत्र में अवैध खनन सामग्री ले जाते हुए 2 वाहन भी सीज किए हैं, जिसमें स्वयं तहसीलदार की ओर से संज्ञान लिया गया। बिना परमिशन के अवैध खनन किया जा रहा था। कार्रवाई के थोड़ी देर बाद पुलिस चौकी के लिए वाहन रवाना भी कर दिए। हालांकि जब SDM चतर सिंह की ओर से संज्ञान लिया गया तो चुप्पी साध ली। उत्तरकाशी से विनीत कसवाल की रिपोर्ट। देखा कि अगर इसके कागज वैध होंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको सीज किया जाएगा। लगातार काफी टाइम से यहाँ पे हाँ, मैं आज ही आया, मैंने परसों 7 तारीख को ज्वाइन किया, तो मैंने देखा तो मैंने इसे रोक लिया और ये कागज दिखाएगा तो मैं इसे अगर वैध होंगे तो ठीक है, अवैध होंगे तो हम इसे सीज कर लेंगे। अरे भाई, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, आप जो साइड मैटर वहाँ से जो बनाओगे तो, लेकिन ये देखो नदी से आप पोत रहे हैं, आप देख लीजिए यहाँ से हम बना कर देते हैं इनको। वैसे हमने बोला भी नहीं, हमने ये बोला कि जहाँ जहाँ आपको अप्रोच चाहिए मशीन को ले जाने के लिए, वहीं वहीं बोल्डर उठा के एक बना दो, लेकिन यहाँ से उनको मना कर देंगे।